हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फारूक मुगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। सभी की जो हमारी वीडियो, ये एक मूवी के टीजर की रिएक्शन वीडियो और मूवी का नेम है संघर्ष। पहले हम देखेंगे मूवी का टीजर और उसपे मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यूज मूवी और इस टीजर के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम मूवी का टीजर और उसपे मेरा रिएक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का टीजर और उसपे मेरा रिएक्शन। हम बात करेंगे आपसे इसी मूवी यानी कि संघर्ष के हवाले से। ये भोजपुरी लैंग्वेज मूवी है और ये एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, ड्रामे से भरपूर है। कंप्लीट इंटरटेनिंग मूवी है जिसमें आपको हर तरह के उतार चढ़ाव, हर किस्म के पहलू और हर किस्म की चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो कि मज़ा ही आ जाएगा। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है परक पटेल ने, और जो कि इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रतन कर कुमार ने। और इसमें जो लीडिंग कास्ट में मौजूद हैं वो हैं के सरी लाल यादव, काजल रख फानी और रितु सिंह, ये इसकी लीडिंग कास्ट में शामिल है। अब हम बात करते हैं आपसे इस मूवी के टीज़र के हवाले से, जो कि मैंने अभी देखा आप लोगों के साथ और मज़ा आया और काफ़ी शॉर्ट था। वैसे तो टीज़र होता ही शॉर्ट है, लेकिन फिर भी इसको देखने के बाद मज़ा आया, क्योंकि थोड़ा बहुत जो कह सकते हैं मूवी की इसमें झलक देखने को मिली, जिसमें पता चला कि मतलब इसमें एक्शन भी मिलेगा आपको, रोमांस भी और कॉमेडी भी, और मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सैडनेस भी, मतलब ओवरऑल एक तरह से फुल कंप्लीट पैकेज है। जिस तरह की मूवीज होती हैं उसी तरह की एक बिल्कुल ऐसी ज़बरदस्त पैकेज की तरह ये मूवी है। इसमें आपको हर तरह के उतार चढ़ाव, पहलू, इंटरेस्टिंग और बिल्कुल जम के एक्टिंग और परफॉर्मेंस मिलेगी। जैसे कि लास्ट सीन जो था वो टीज़र का बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, जिसमें दिखाया गया है कि काफ़ी एक बूढ़ा शख्स बताया गया हीरो को, और फिर वो सामान उठा कर लेकर जा रहा है, और मतलब जो कह सकते हैं कि मतलब पूरे टीज़र के अंदर गहराई मौजूद थी। जो जो मतलब झलकें दिखाई गई हैं जिस जिस पहलुओं की, वो काफ़ी ज़्यादा गहरे, डीप और इंटरेस्टिंग थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ा रहे हैं और इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं इस मूवी में कि इसका ट्रेलर कैसा होगा, मूवी कैसी होगी। क्योंकि जो है मतलब टीज़र जो है एक तरह से ये कह सकते हैं कि आप जो मूवी की एक तरह से अट्रैक्शन या प्रमोशन के लिए होता है, जो कि लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, खींचता है। तो उसी हिसाब से मैंने इसको देखा तो मुझे बहुत मज़ा आया इसको देखने के बाद, और जो मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें सच में अट्रैक्शन थी, जो कि बता रही कि मूवी में काफ़ी ज़्यादा कुछ देखने लायक होगा, जो कि आप देखेंगे तो मज़ा आएगा। और जो ये टीज़र था जिस हिसाब से पेश किया गया, वाकई में हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही एक यूनिक तरीके से पेश किया गया है, जो कि काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ा रहा है। और पता इससे चल रहा है कि मूवी का ट्रेलर या फिर मूवी जब रिलीज़ होगी तो उस हिसाब से बहुत ही कमाल की और इंटरेस्टिंग होगी। जब आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा, आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे कि बेकार फिल्म थी, टाइम वेस्ट हुआ या कुछ भी इस तरह से। क्योंकि जो है ना मतलब मूवी का टीज़र या ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा जो है मूवी की अकासी करके बता देता है कि किस तरह की होगी और इसमें क्या क्या होगा। और इसमें सिनेमाटोग्राफी, स्क्रीन प्ले भी बड़ा नुमाया, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो मतलब टीज़र के अंदर इसकी मतलब मूवी की जो चीज़ें दिखाई गई हैं झलक, वो काफ़ी ज़्यादा गहरी और हम ये कह सकते हैं अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा थी, जो कि
बहुत ही कमाल की बात होती है किसी मूवी के अंदर के उसमें इस तरह के पहलुओं के हर कुछ देखने को मिले जो कि मज़ा ही आ जाए देखने के बाद। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का टीज़र और उससे मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यू उस मूवी और इस टीज़र के हवाले से। अब आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय इस बारे में, हम आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतज़िर हैं। और अब आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।